इस शख्स को देखिए, जिसे कुछ लोग मॉल के अंदर से घसीटते हुए कार में बैठा रहे हैं। शुरुआती नजरों में देखने में लगता है कि किसी का अपहरण किया जा रहा है, लेकिन जरा ठहरिए, मामला बेहद संजीदा है। जिस शख्स को घसीटा जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उधम सिंह नगर जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश चंद्र त्रिपाठी हैं। अब आपको बताते हैं उनकी इस दुर्दशा का कारण। दरअसल रमेश चंद्र त्रिपाठी को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस पर टीम उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगी कि तभी त्रिपाठी जी जोर जबरदस्ती करने लगे। उसके बाद क्या था, विजिलेंस की टीम ने सख्ती दिखाते हुए त्रिपाठी जी के सारे तेवर ढीले कर दिए और मॉल के अंदर से घसीटते हुए कार में बैठा कर ले गए। अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश चंद्र को रिंकू नाम के व्यक्ति का एक बिल पास करना था। अब अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्होंने रिंकू से 1,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी, लेकिन इस बात की खबर विजिलेंस टीम को लग जाती है और इसके बाद से ही टीम उसके पीछे लग गई। वहीं रिश्वत की रकम लेने के लिए रमेश चंद्र ने रिंकू को मेट्रोपोलिस मॉल में मिलने के लिए बुलाया, लेकिन यहां पंचायत राज अधिकारी को ये नहीं पता था कि वो विजिलेंस टीम के रडार पर हैं। जैसे ही रमेश चंद्र ने रिंकू से रिश्वत के पैसे लिए, वैसे ही मॉल में घात लगाए बैठी विजिलेंस की टीम ने रमेश को धर लिया। शुरुआत में इस धरपकड़ को देखते हुए मॉल के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग डर कर मॉल से बाहर भागने लगे। हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए थे, तो मैंने गाड़ी अपनी यहीं पार्क करने के बाद मैं अंदर जा रहा था, तो यहाँ हु हल्ला होने लग गया। हमने देखा कि डीपीआरओ साहब हैं, मैं जानता हूँ, परिचित हूँ, तो मैं उनको बचाने गया तो उन्होंने मुझे धक्का मार दिया। जो लोग 4-5 जाने थे, उन्होंने धक्का जैसे ही मारा मैं साइड हो गया, तो उन्होंने कहा, हमने आई कार्ड दिखाया, हम विजिलेंस वाले हैं। अगर विजिलेंस वाले होते तो विजिलेंस अपनी गाड़ी में आती, अपनी गाड़ी लेके आती, वो प्राइवेट बंदे की गाड़ी में कैसे लेके गए। जब मॉल की सिक्योरिटी भी इसमें शामिल हुई तो पता लगा कि ये कोई किडनैपिंग नहीं बल्कि विजिलेंस टीम का छापा है, जिसका शिकार जिला पंचायत राज रमेश चंद्र त्रिपाठी बन चुके हैं। उधम सिंह नगर जिले में तैनात जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश चंद्र त्रिपाठी के खिलाफ एक शिकायत मिली थी, जिसमें इनके द्वारा एक शिकायतकर्ता से उनके बिलों के भुगतान के क्रम में रिश्वत मांगी गई और विजिलेंस की टीम द्वारा उसका जांच की गई और जांच करने पर पाया गया कि इनके द्वारा गलत तरीके से उनसे रिश्वत मांगी जा रही है। आज हमारी टीम द्वारा इनको 1,00,000 रुपये की रिश्वत के साथ में गिरफ्तार किया गया। इसमें एफ आई आर रजिस्टर की जा रही है और आगे इन्वेस्टिगेशन में देखा जाएगा कि ये पैसा क्यों और किन किन लोगों के लिए लिखा है और इस मामले के अलावा इन्होंने कहाँ कहाँ पैसा लिया है, इनकी बाकी संपत्ति की जाँच की जाएगी। Thank you.